समर। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। समर, मान ने हमें देख लिया। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं संभालूंगा। नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं संभालूंगा, आई प्रॉमिस। नहीं, मान ने सबको बता दिया। तुम किसी को कुछ नहीं बताएगा, तुम जाओ। डोंट वरी, मैं हूँ। जस्ट गो गो गो। अब आया चूहा पिंजरे में, अब कविराज का कवि मन किसी को भी सच बताने नहीं देगा। ओ यू कविराज। शिवेंद्र बेटे, शुभेच्छा हो दादा बाबू। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? यशस्वी भव, जुग जुग जियो बेटे। मिली हमारी धर्मपत्नी से सुरीली। शुभेच्छा। अरे नहीं नहीं बेटा जी, लड़कियां तो मां लक्ष्मी का रूप होती हैं, वे पैर नहीं छूती। सदा सुहागन रहो। थैंक यू दादा बाबू। शिवेंद्र बेटे, इंसान की आंखें उसका दर्पण होती हैं। सुरीली बेटी की आंखें उसकी मासूमियत और उसकी सच्चाई बयान कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने दादा बाबू। सुरीली की सादगी और सच्चाई थी जिनके हम दीवाने हो गए थे। इनकी मेहनत और लगन देखकर ही हमने फैसला ले लिया था कि हम चट मंगनी और पट ब्याह करेंगे। माँ को पूरी जिंदगी हमने मेहनत करते हुए देखा है और उन्हीं का रूप हमें इनमें दिखा। क्या बात है बेटे, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं दादा बाबू, कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी पार्टी कभी अटेंड नहीं की ना, तो कभी कभी थोड़ा नर्वस फील करती हूँ। तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे मेरी भतीजी युविका की याद आ रही है। युविका? मेरे सबसे छोटे भाई प्रेमराज महाजन की बेटी। बेटे, तुम्हें उसे जरूर मिलना चाहिए, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। स्वाति लेखा भाभी और समर, my brother, welcome to the party, DJ. Wow. The Don, how are you bro? बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉलेज में थे, cool and handsome as always. So, what's new? Hi. Hi. ये हमारी धर्मपत्नी सुरीली। Hi, सुरीली बारोट। दिग्विजय महाजन। Lovely meeting you. Pleasure's all mine. So, बस। Ruhi, my wife. Oh. Hi Ruhi, सुरीली। Lovely meeting you, Ruhi Mahajan. So, basketball खेल रहा है या छोड़ दिया? अब कहाँ? 3 बार बैक-टू-बैक जीतने के बाद किसी और को भी मौका देना चाहिए, I think, right? सुरीली जी, आपके राजघर आने में सारे ऐसे टॉन्ट्स मारते रहते हैं। I don't think हम दोनों के हस्बैंड्स की बातें इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। वैसे आप भी डीजे के साथ बिजनेस में। नहीं, मैं तो बस घर पे ही रहती हूँ। Nice, that's lovely. Sorry. एक सेकेंड। नया। Thank you. Excuse me, मैं अभी आई। Wait up. Thank you. सिद्धि की अंकल यहाँ पे? तुम मुझे जानती हो? Well, मुंबई में ये मेरे पड़ोसी हुआ करते थे। मैं अभी आती हूँ उनसे मिलके। इंटरनेट पे देखा था कि दादा बाबू महाजन एम्पायर के नेक्स्ट वंशज का नाम अनाउंस करने वाले हैं, राइट? प्लान तो वही था, बट क्या हुआ? छोड़ो, तू नहीं समझेगा ये स्टूपिड कॉर्पोरेट कल्चर। तुम्हारे राजघराने में पैदा होते ही वंशज डिसाइड कर देते, जिसका हक है उसे बिन मांगे मिल जाता है। हमारे बिजनेस एम्पायर की तरह नहीं, यहाँ रोज खुद को प्रूफ करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है अपनों से, नहीं अकेले। हमारी माँ की एक कहावत है, दूर के ढोल सुहाने। राजघराने भी इंसान ही चलाते हैं, वहां पर भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। बिजनेस डिसीजंस के बारे में तो आप बात ही मत कीजिए भाई। अरे आपके पास तो बिजनेस में झांकने तक की फुर्सत नहीं है। लवर बॉय की तरह मजनू बने लैला के पीछे घूमे जा रहे हैं। माँ, कहाँ हो गया? कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा था कि महाजन ग्रुप्स एंड बारोट ग्रुप्स दोनों की जो नींव है वो एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स पे खड़ी हुई है। आई मीन, अगर महाजन ग्रुप्स हमारे इको टूरिज्म इनिशिएटिव में शामिल हो जाए, एक बहुत अच्छा मौका रहेगा फिर से साथ में काम करने का। व्हाट डू यू थिंक? बेशक, पर एक कंडीशन है, पहले एक बास्केटबॉल मैच हो जाए हमारे बीच। डन। इसी बात पे एक ड्रिंक हो जाए। ऑफ कोर्स सर, या आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी, माय बैड, सॉरी। हाय, आई एम सुरीली बारोट। युविका महाजन। आप प्रेम अंकल की बेटी है? हाँ, पर आपको कैसे पता? ओह माय गॉड युविका, लवली मीटिंग यू। Likewise. Actually, दादा बाबू अभी आपके बारे में बात कर रहे थे। Actually, वो आप ही को ढूंढ रहे थे मुझसे मिलाने के लिए। बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, कह रहे थे कि हम दोनों एक ही जैसे बातें करते हैं। Really? I know, yeah. I mean, ये सब कुछ, ये grand parties, celebrities, kind of not my thing. सच बात कहूँ तो मेरे लिए भी ना ये सब कुछ बहुत डिफरेंट है ना, सच में। और हमारा ना ऋषिकेश में एक कैफे था, और कैफे से ना गंगा बहती हुई दिखती थी। युविका, you won't believe, मेरा भी एक कैफे है मुंबई में, ग्रामोफोन कैफे। Really? Yeah, पता नहीं वहाँ से यहाँ कैसे आ गई। I think accident, beautiful accident I must say। अभी भी रॉयल्स के तौर तरीके सीखने की बस कोशिश ही कर रही हो। कैसे सीखोगी? यहाँ पे ना सब ऐसे घूर घूर के देख रहे होते। सच बताऊं, मेरे जो बचे कुछ मैनर्स है ना, मैं तो वो भी भूल जाती हूँ। क्यों पेट, ऐसा लगता है जैसे सब ना मौके की तलाश में होते कि गलती से भी हम एक गलती कर दे, बस उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। सीरियसली। वैसे ना मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, जिनकी नींव मजबूत होती है ना वो जमीन से जुड़े होते हैं, और यहाँ तो सब हवा में उड़ रहे होते। True that. वैसे आपके पापा की बहुत तारीफें सुन रही थी, सिद्धि के अंकल उन्हीं के बारे में ही बता रहे थे। बस कैफे का ही कोई किस्सा सुना रहे थे। अब सब लोग थे, इनफैक्ट रविंद्र जी, शिल्पा जी, पूजा सबरवाल जी, सबको बता रहे थे। एक सेकेंड, आपने भी पूजा सबरवाल बोला? आप जानती हैं पूजा सबरवाल को? नॉट रियली, एक्चुअली अभी अभी सिद्धि के अंकल ने इंट्रोड्यूस करवाया। आप मुझे प्लीज बता सकती हैं कि अभी पूजा सबरवाल कहाँ है? हाँ युविका, वो अंदर ही है। अंदर? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ, आके मिलती हूँ। एक सेकंड, चलें? लेट्स गो। कुमार साहब, बचपन से जानता हूँ मैं आपको, क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? मैंने अपनी आंखों से देखा था, अनुष्ठान के अंत में समर ने आपसे कुछ कहा। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके होठ सिले हुए हैं, लेकिन आंखों से सब झलक रहा है। बातें कुछ ऐसी है गुरु कि हमारी जुबान सिल गई है, लेकिन क्यों? हमें समर की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। अभी वक्त हमारे हक में नहीं है गुरु। हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। अगर हमारी वजह से हमारे परिवार में से किसी का भी दिल दुखा, अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। कुंवर साहब, आप अच्छे आदमी हैं, अच्छाई आपकी ताकत है, इसे आप कमजोरी मत पड़ने दीजिएगा। हम आपके आदेश का इंतजार करेंगे। हाँ भाभी। हाय मान, कैसे हैं आप? मैं महाजन की पार्टी में गई थी, अभी आपका मिस कॉल देखा। भैया, भाभी, आप लोग वापस कब आ रहे हैं? प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या बात है मान, कल भी आपने यही सवाल हमसे पूछा था। हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि आप एक ही सवाल दो बार नहीं पूछते हैं। बताइए मन में क्या चल रहा है? हमने सोचा था भाभी कि जब आप दोनों वापस आ जाएंगे तब तसल्ली से बैठ के आपको बताएंगे। स्वाति भाभी का मैसेज। भाभी एक मिनट होल्ड करिए। आपने जो देखा वो सच नहीं था। प्लीज एक बार हमें सफाई देने का मौका दीजिए। आज रात 10 बजे पुरानी फैक्ट्री के पास हम आपका इंतजार करेंगे और किसी को इस बारे में मत बताइएगा। ये हमारे और राघव के रिश्ते का सवाल है। कहाँ खो गए हैं मान, बताइए ना। भैया हम आपसे बाद में बात करते हैं। मान लेकिन बात तो पूरी कीजिए। करेंगे ना भैया, अधूरी बात पूरी करने के लिए तो आपको बुला रहे हैं। लेकिन बताते तो जाइए, क्या क्या बात क्या है? क्या करें ना, राघवेंद्र भैया को कुछ बता सकते हैं ना। जो भी है वो हमें हैंडल करना होगा। मान से बात हुई? चांस ही नहीं मिला। चांस मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। और तुम किसका वेट कर रहे हो? मानवेंद्र ने राघव या फैमिली में किसी और को बता दिया, तुम जानते हो ना क्या होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे पता क्या करना है स्वाति लेखा जी। ऐसा मैं हैंडल कर दूंगा, आप अपने कमरे में जाइए। अगर हमें किसी ने यहाँ पर देख लिया तो नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और वो हम चाहते नहीं है भाई। और हाँ, नहीं मेरे कमरे में आपका फोन रह गया था। God knows अब क्या होगा। हत्याकांड क्या कहते उस रस को जिसमें रोने धोने का, छाती ठोकने का भाव प्रकट होता है। करुणा रस जिसमें वीर बारोट मानवेंद्र के बलिदान की गाथा लिखी जाएगी। हाय हाय। द ग्रेटेस्ट एंड द सैडेस्ट लव स्टोरी विल बिगिन। मान, कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसी माँ, बस जरूरी काम था। काम इस समय? लेकिन दंगों का जोर रनक में भी है। नहीं माँ, बस हम यही पास में ही जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। माँ। क्या बात है बेटा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम जानते हैं सबकी कितनी चिंता आपको लगी रहती है, लेकिन मान, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रनक या परिवार सब कुछ ठीक होगा। आपकी माँ है, आपके बड़े भाई शिवेंद्र भी है, तो किसी को कुछ नहीं होगा। चलते हैं माँ। जल्दी जाकर जल्दी वापस आइए। अपना ख्याल रखिएगा। गुरुआ कहाँ चले गए? फोन भी बिजी आ रहा है उनका, लगता है हमें अकेले ही जाना होगा। वैसे भी स्वाति लेखा भाभी शायद गुरुआ के आगे बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल ना। I don't know, Shiv. I feel something is not right. मान कुछ तो हमसे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहा है, इसीलिए वो बार बार पूछ रहा है कि हम कब वापस लौट रहे हैं। आई थिंक उसे हमारी जरूरत है। आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस, शिव। आई थिंक वो मिलकर ही हमसे शेयर कर पाए। यू नेवर नो। मुझे लगता है हम लोग को रनक वापस जाना चाहिए। इस वक्त हमारी फैमिली को हम दोनों की जरूरत है। हम लोग को अभी निकलना चाहिए, प्लीज। राइट। कुंवर साहब का मिस्ड कॉल? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। कुंवर साहब को फोन ही नहीं लग रहा है। स्वाति लेखा भाभी, स्वाति लेखा भाभी कहाँ है आप? स्वाति, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.